राजस्थान कांग्रेस के तेज तर्रार व दबंग छवि के कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने शुक्रवार को एक बड़ी कानूनी जंग जीती है। यह कानूनी जंग पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से जुड़ी हुई है। पंचायतों में खुल रखे सेवा केंद्रों का नाम फिर से राजीव गांधी के नाम से होगा। संयम लोढ़ा की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनीष भंडारी ने सेवा केंद्र का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र रखने के भाजपा सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। यानी अब सेवा केंद्र फिर से राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम से कहलाए जाएंगे। संयम लोढ़ा ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाकर भाजपा सरकार द्वारा सेवा केंद्रों का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल सेवा केंद्र करने को चुनौती दी थी। याचिका में बताया कि सेवा केंद्र राजीव गांधी के नाम से खोले गए, सरकार ने इसका नाम बदल दिया है जो गलत है। जिसके नाम से योजना शुरू होती है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए राज्य सरकार के उस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए जिसमें राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र कर दिया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क रखा कि सरकार किसी भी योजना का नाम बदल सकती है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने संयम लोढ़ा की याचिका स्वीकार करके सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। गौरतलब है कि कांग्रेस राज में पंचायत समिति और ग्राम पंचायत पर ग्रामीणों के पानी बिजली के बिल जमा करवाने व दूसरे कार्यों के लिए सेवा केंद्र खोले गए। ये सेवा केंद्र पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से खोले गए। राजस्थान में भाजपा सरकार आने पर राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल सेवा केंद्र कर दिया। संयम लोढ़ा ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल और हमारी वेबसाइट www.janprahari.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।